पब्लिक टीवी आपकी आवाज। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की प्रशासनिक कमेटी के दो सदस्यों के पद के लिए हुए चुनाव का परिणाम आज जारी हो गया। डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना और अवधेश अग्रवाल की ईपीसीएच के सीईओ चुनाव के इतिहास में अब तक की सबसे बड़े वोटों के अंतर से जीत हासिल हुई है। चुनाव में डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना 1441 वोट और अवधेश अग्रवाल को 1397 वोट मिले हैं, तो वहीं विपक्षी उम्मीदवार हेमंत जुनेजा को 660 वोट और अब्दुल अजीम को 520 वोट प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना और अवधेश अग्रवाल यस और एमएचए के संयुक्त उम्मीदवार थे। सेंट्रल रीजन के सभी अन्य क्लस्टर्स ने भी निर्यात के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए उनको अपना उम्मीदवार घोषित किया था। आज ईपीसीएच के सीईओ चुनाव के इतिहास में ऐतिहासिक जीत हासिल कर दोनों प्रत्याशी घोषित किए गए। यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी और मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के द्वारा संयुक्त रूप से उम्मीदवार डॉक्टर नीरज विनोद खन्ना और अवधेश अग्रवाल का इस चुनाव में भारी मतों से विजयी होने पर फूल मालाओं से स्वागत किया गया और प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर आयोजित प्रेस मीट में दोनों उम्मीदवारों ने अपने सभी मतदाताओं का आभार प्रकट किया और विश्वास दिलाया कि निर्यात उद्योग की समस्याओं को दूर करने के लिए वो हमेशा पहले से भी ज्यादा प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो आज की विजय है ये पॉजिटिव ग्रुप की विजय है। लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन राकेश कुमार जी लड़ा रहे हैं, तो मैं भी ये कहना चाहूँगा फिर ये राकेश कुमार जी के कैंडिडेट्स की जीत है। निर्यातकों की जीत है, एक तरफा जीत है, आपके प्यार की जीत है, आपके साथ की जीत है। और मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। इसमें चार कैंडिडेट खड़े हुए थे, दो चुने जाने थे, जिसमें हम और हमारे बड़े भाई नीरज खन्ना जी चुने गए हैं। अजीम साहब को 520 वोट मिले हैं, हेमंत जुनेजा साहब को 660 वोट मिले हैं, मुझे अवधेश अग्रवाल को 1398 वोट मिले हैं और नीरज जी को 1442 वोट मिले हैं। दोनों प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों के वोट मिलाकर भी नीरज जी तो बात की बात है, खाली मेरे बराबर भी नहीं है, उससे 150 कम है। यानी कि ट्रेड ने बहुमत दे दिया, जो हमने पहले दिन भी आपसे कहा था कि ये इलेक्शन ट्रेड वर्सेस उम्मीदवार है, हम ट्रेड के उम्मीदवार हैं। हमने जो कुछ 6 सालों में काम किया था, ट्रेड ने उसको स्वीकार कर लिया। ये ट्रेड की विजय है, आप लोगों की विजय है, एमएचईए और यश के सभी कार्यकर्ताओं की विजय है, मुरादाबाद के निर्यातकों की विजय है, जो हमारे सदस्य नहीं है उन्होंने भी भारी मात्रा में हम लोगों को वोट दिया है। और मैं बताऊँ कि आपको सबसे बड़ी बात, विपक्षियों ने भी हमें छुपे अंदर खाने वोट दिया है, हमारे काम को वोट दिया है। तो इसलिए ये सर्व धर्म की जीत है और आपकी जीत है, हम सबकी जीत है। अभी बीच में जो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था, जहां वोटिंग को लेकर सवाल होते थे, उसको लेकर क्या? देखिए, आरोप प्रत्यारोप खत्म हो गए। बाधाएं आती हैं जब कोई चुनाव होता है, चुनाव में वोटिंग नष्ट हुई, दोबारा हुई। शायद अगर हम पहले 1200 मत हमें मिलते तो अब 1400 मत मिले हैं, क्योंकि जब भी आप कभी ट्रेड की आवाज़ दबाने का प्रयास करेंगे तो ट्रेड फिर दोबारा उभर के आएगा। ये मतगणना अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है, आज तक न कभी ऐसी जीत हुई है, न कभी मैं समझता हूँ आगे भविष्य में होगी, और हमारे प्रतिद्वंदी भी कभी आगे इलेक्शन में खड़े होने का साहस मुश्किल से ही कर पाएंगे, ऐसा मेरी सोच है। मीडिया जो हमारे बंधु हैं, ये लोग सब हम लोगों को इतना मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ये मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं पहले तो अपने सभी एक्सपोर्टर्स, जितने भी 2800 कुछ हमारे जो वोटर्स थे, उनको मैं धन्यवाद कर देना चाहूँगा अपनी ओर से और मेरे बड़े भाई श्री अवधेश अग्रवाल जी की ओर से। और बात आती है ट्रेड की, जैसे अभी मेरे बड़े भाई ने बताया कि हम लोग का एजेंडा जो था वो शुरू से ट्रेड के लिए था। हमने आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज वोटर्स को भेजा कि ट्रेड जीतेगा या ट्रेड हारेगा। वोटर्स ने इतना बहुमत दिया है हम लोगों को, उन्होंने दिखा दिया कि जो है ट्रेड के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, और हमने जो 6 साल में साथ मिल करके जो काम करा है वो लोगों तक वो काम पहुंचा है, लोगों को उस काम का लाभ हुआ है, और जो है इसीलिए उन लोगों ने हमें चुन करके दोबारा भेजा है। हम ट्रेड के लिए काम करते रहेंगे, तपर हैं, और आगे भी जो है लोग हमें इसी तरीके से अपना प्यार देते रहेंगे।
जो एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने आपका साथ दिया, सपोर्ट किया, उनको किस तरह से आप साथ कर चलेंगे, आप किस तरह की आगे की रणनीति? देखिए, जो है जिसने हमारा साथ दिया है या जिसने हमारा साथ नहीं दिया, एक्सपोर्टर्स सब हमारे भाई हैं और हम सब भाइयों के लिए काम करेंगे, ट्रेड के लिए काम करेंगे। और किसी कोई भी जो रोज़मर्रा की कोई समस्या है, पॉलिसी से रिलेटेड कोई समस्या है, शासन प्रशासन से लेकर कोई समस्या है, डिपार्टमेंट से लेकर कोई समस्या है, फेयर से लेकर कोई समस्या है, दुनिया भर की समस्या हम लोगों के ट्रेड में काम करने में रहती हैं। जैसे अभी एक जो विकराल समस्या चल रही है एमएसएमई की, जिसको अवधेश अग्रवाल जी अभी चुनाव से पहले वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मिल करके आए, और इस तरह के हम मुद्दे अपने सरकार तक पहुंचाते रहेंगे ईपीसीएस के माध्यम से। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।